एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। सिद्ध कीजिए कि एबी स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। ये हमें सिद्ध करना है। कंडीशन क्या है? एबीसी कैसा है? समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब इसकी दो भुजाएं क्या हो? बराबर होंगी। और इसमें क्या दिया? सी हमारा समकोण है यानी 90 डिग्री। ये देखो दिया है। सवाल ये कहता है कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। पहले सवाल सुनो ध्यान से कि एबीसी क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु मतलब इसकी दो भुजाएं क्या हो? बराबर। ठीक है। जिसका कोण सी समकोण है यानी ये समकोण है, समकोण त्रिभुज कहलाएगा, क्या कहलाएगा? समकोण त्रिभुज। तो सिद्ध करना है जो हमारा ए बी स्क्वायर है इसका वर्ग 2 AC स्क्वायर के बराबर हमें। चलो अब याद रखना इसमें कि ए भुजा ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो दिया है ए बी सी एक सम दुबाव त्रिभुज है। एबीसी क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है, 90 डिग्री है। समकोण है। अब सिद्ध क्या करना है हमको? एक दो सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, कहाँ सिद्ध करना है? यहां दिया है सिद्ध कीजिए कि ए बी स्क्वायर बराबर 2 AC स्क्वायर। हाँ ठीक है। अब चलो देखते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में। समकोण त्रिभुज ए बी सी में अब समद्विबाहु हुए, दो भुजाएं बराबर है तो हमें कैसे पता चलेगा यही बराबर है? समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है यानी कि बड़ी भुजा हो जाएगी। अब बची दो तो इन तो बराबर होंगी, है ना? समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण सी बराबर 90 डिग्री और क्या हो जाएगा? एसी बराबर बीसी, है ना? कोई पूछे काहे बराबर है तो बता देना है त्रिभुज कैसा है? समद्विबाहु है। असमद्विबाहु में जो देखो समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाएगी, यहाँ बना ना ये कर्ण हो गई। इन जानते हो कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज में। कर्ण क्या होती है? सबसे बड़ी भुजा होती है। तो जब कर्ण सबसे बड़ी भुजा है तो बचे कौन? एसी और बीसी बचे, तो क्या हो जाएगा आपस में? बराबर होंगे ना। तो एसी बराबर बीसी। ठीक है। अब चलो लिखो समकोण पाइथागोरस में से। तो यहां लिख देना समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस क्या कहती है? कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। तो कर्ण क्या है यहाँ पे? लिख देते हैं यहाँ पे एक बार कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। ये कौन बताया? पाइथागोरस ने बताया कि समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग होता है आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। इन दोनों को जोड़ देना। तो कर्ण हमारा क्या है? ab² बराबर आधार क्या है? ac। तो ac² प्लस लंब, लंब क्या है? bc²। ठीक है। तो ab² बराबर ac² प्लस bc² कहां से आया? इस प्रमेय से आया। क्या कहती है? कर्ण का वर्ग। कर्ण मतलब सबसे बड़ी भुजा। सबसे बड़ी भुजा क्या है? ab है ना, ab। तो हमने यहाँ पे ab का वर्ग किया, बराबर लगा था, बराबर लगा दिया। आधार का वर्ग, आधार तो नीचे वाला क्या होता है? आधार होता है। तो एसी का वर्ग, आधार हमारा क्या था? एसी था। प्लस लंब का वर्ग, लंब क्या हो गया? बीसी। कोई दिक्कत है? कहाँ पे? यहाँ पे ऊपर है, जगह कुछ भी नहीं आया। चलो फिर देखो एक बार प्रयास करते हैं इसको कि क्या कहा कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है?
समद्विबाहु मतलब दो भुजा क्या होगी बराबर ना होगी, ठीक है ना। और क्या दिया, सी समकोण है, सी समकोण है मतलब 90 डिग्री, कोण से कितना होगा 90 डिग्री है, तो सीधे कीजिए ए बी स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ तो लिखा दिया है पूरा पूरा सवाल ही, क्या कर दिया हमने छाप दिया, देखो यहाँ पे ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो दिया है ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है, इतने दिया क्या है का? जिसका कोण सी समकोण है, जिसका कोण सी समकोण है, एक पूरा सवाल लिख दियो, आलस कुछ नहीं कर रहे हो, या तो ठीक है। अब क्या लिखोगे, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी क्या है हमारा समकोण है, कितना है समकोण है, ये 90 डिग्री का है। समद्विबाहु त्रिभुज दो भुजाएं बराबर होंगी, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, क्या होता है 90 डिग्री होता है, ठीक है ठीक है। तो सिद्ध करना था कि ए बी स्क्वायर, ए बी इसका वर्ग बराबर 2AC स्क्वायर, एसी स्क्वायर के वर्ग के बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। तो हमने क्या लिखा कि समकोण त्रिभुज एबीसी में, ए बी सी समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण सी बराबर 90 डिग्री, समकोण बना ना मतलब 90 डिग्री है, और एसी बराबर बीसी, एसी किससे बराबर है बीसी के। अब तुमने कैसे जाना त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है कि यही दो भुजाएं बराबर होंगी, समबाहु त्रिभुज है तीन भुजाएं हैं इसके बराबर हो जाता, लेकिन जब समकोण त्रिभुज में कर्ण जो होता है सबसे बड़ा होता है, कर्ण क्या होता है सबसे बड़ा होता है, तो यहाँ सबसे बड़ा कर्ण यही है, समकोण के सामने वाला कर्ण कहलाता है, देखो कोण है इसके सामने ए बी भुजा है तो हमारा क्या कहलाएगा कर्ण कहलाएगा। तो ए बी तो यहाँ पे जब सबसे बड़ी भुजा क्या हो गई, सबसे बड़ी भुजा, तो बची कौन कौन ए बी और बीसी बची है, तो आपस में क्या हो जाएंगी बराबर हो जाएंगी, ठीक है। तो एसी बराबर बीसी, याद रखना जब भी समद्विबाहु की बात आएगी तो दो भुजाएं क्या होंगी बराबर होंगी, ठीक है, दो भुजाएं कैसी होंगी बराबर होंगी, अब यहां तक ठीक है। अब समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस में एक बात में भी आ जाती है कथन लिखने के, आता नंबर में कि पाइथागोरस प्रमेय का कथन लिखिए, क्या लिखोगे सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, ठीक है ना। किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यदि कहें तो कर्ण का वर्ग जो होता है आधार और लंब के वर्ग के बराबर होता है, एक कर्ण है नीचे वाला आधार है और क्या है लंब है, ठीक है। अब लिख दो कर्ण यानी सबसे बड़ी भुजा ए बी, ए बी का वर्ग बराबर आधार ए सी, ए सी का वर्ग प्लस बी सी, लंब क्या था बी सी का वर्ग। अब यहां पे देखें हम अगर तो ए सी बराबर बी सी है, तो जहां हमारा क्या बी सी ए सी देंगे बराबर ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, चूंकि ए सी बराबर बी सी, ठीक है भाई। देखो जब इसके बराबर ए है तो चाहे इसको लिखो चाहे इसको लिखो, बताए ना ए सी बराबर बी सी के, ठीक समझो ऐसे। अब 10 रुपए है तो चाहे 10 के नोट ले जाओ और चाहे 5-5 के 2 ले जाओ, दोनों के मान परिवर्तन होगा नहीं होगा ना। उसी तरह से जब ए सी बराबर बी सी है, ए सी बराबर तो जहां ए सी है हम बी सी लिख सकते हैं और बी सी जगह ए सी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बी सी था, हमने कर दिया ए सी लिख दिया, तो यहाँ पे था या का चिन्ह लगा के ए बी स्क्वायर। अब ए बी स्क्वायर बराबर एक ए सी यहाँ एक ए सी यहाँ, दोनों हो गए दो ए सी सिद्ध हो गया हमारा, ये सिद्ध करना था कि ए बी स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। एक बार फिर समझ लो कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है, समद्विबाहु मतलब इसकी दो भुजाएं क्या हो बराबर हो, तो हमें सिद्ध करना ए बी स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। पहले कहना दिया है जहां तक दिया सब लिख देना है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। अब सिद्ध करना है ए बी स्क्वायर बराबर 2AC
तो लिखना समकोण त्रिभुज एबीसी में, कैसे है समकोण है दिया है, कोण सी बराबर 90 डिग्री और एसी बराबर बीसी, समदुभाव है दो भुजाएं क्या होंगी बराबर होंगी। अब समकोण त्रिभुज एबीसी क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय, क्या कहती है सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो सबसे बड़ी भुजा होगी कर्ण, तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार वर्ग लंब का वर्ग, तो कर्ण क्या था एबी था, एबी का वर्ग बराबर आधार क्या है एसी, तो एसी का वर्ग, लंब क्या है बीसी, तो बीसी का वर्ग। अब देखो यहाँ एसी यहाँ बीसी है, क्योंकि हमको यहाँ पहले से पता है एसी बराबर है बीसी के, तो जहां बीसी है तो क्या लिख देंगे एसी, क्योंकि दोनों बराबर है, एक एसी यहाँ एक एसी यहाँ दो एसी, तो ए बी स्क्वायर बराबर दो एसी सिद्ध हो जाता है। ठीक है भैया विकास।